आज पेटला ब्रुज, मैं समझता हूँ यहाँ आज से 60-70 साल पहले भी, 80 साल पहले भी लोग यहाँ ट्रेनिंग लिए हैं। यहाँ पर आज कांस्टेबल जो अपॉइंट हुए हैं उनका ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हुआ है, और ख़ासतौर से हमारे यहाँ के कमिश्नर अंजनी कुमार साहब मौजूद है। बहुत कैसे ऑफिसर है, हमेशा बहुत इफेक्टिव डिसीजन लिया गया है। हमेशा जहाँ पर भी लैंड ऑर्डर का मसला होता है, अंजनी कुमार साहब खुद, हमारे कमिश्नर साहब बाजार से खुद जाकर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं। मुझे प्राउड है, और आज की ट्रेनिंग का जो आज इफ्तिताह हुआ है, यकीनन जो बच्चे पुलिस में अपॉइंट हुए हैं नौजवान बच्चे, वो काफ़ी क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे आनेबल सीएम साहब तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस दिया। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर चूँकि स्टाफ की काफ़ी कमी थी, 2015 के अंदर 10,000 पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का अपॉइंट किया गया, 16 तक हुआ, और अभी तकरीबन 16,000 से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का अपॉइंट किया गया है। आज उनकी ट्रेनिंग आज से शुरू हुई है, 4 एरियों में ट्रेनिंग हो रही है उनकी। इस ट्रेनिंग पर उन लोगों को, कांस्टेबल्स को 9,000 रुपये का एक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, और सब इंस्पेक्टर को 11,000 का। यह ट्रेनिंग 9 महीने तक चलेगी। ट्रेनिंग बहुत अहमियत की हामिल होती है, इंसान कितना भी तालीम हासिल करने के बाद जब तक उसे ट्रेनिंग नहीं मिलती वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और हमारी पुलिस का आज हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया के जो लोग ख़ासतौर से मिडल ईस्ट से आते हैं, अमेरिका से जो लोग आते हैं, मुझसे जब मिलते हैं तो मेरा भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके पास बहुत सुकून रहता है आपकी स्टेट के अंदर, और आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है फ्रेंडली काम करता है। पहले पुलिस से लोगों का बहुत डर रहता था, आज पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह लोग बात याद करते थे, जापान पुलिस को याद करते थे, अमेरिका की पुलिस को, आज लोग तेलंगाना पुलिस को याद कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली बात करते हुए उनके मसाइल हल कर रही है। और लोगों को जो भी हमारे पास कई तरीके से शी टीम्स का क्याम अमल में लाया गया, भरोसा सेंटर कायम किए गए, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उसी तरह ये एकदम अभी जब 16,000 से ज़्यादा लोग फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे तो पुलिस की मतलब एक और बहुत इस तादाद में इजाफा होगा, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अहम डिपार्टमेंट, अगर लैंड ऑर्डर ही कंट्रोल रहेगा तो वही स्टेट में तरक्की हो सकती है जहां लैंड ऑर्डर कंट्रोल होता है, और हमारी स्टेट में का ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह पीस है, और पीस के लिए मैं हमारे आनेबल सीएम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का डीजीपी साहब और कमिश्नर साहब, हमारे जितने अदर कमिश्नर थे, तमाम ऑफिसर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आपकी मेहनत और लगन की वजह से हमारी स्टेट का नाम बहुत ऊंचा हुआ है, और जो लोग ट्रेनिंग के लिए आ जाए हैं इस मरतबा, मैं समझता हूँ इतने हाईली क्वालिफाइड कभी भी पुलिस कांस्टेबल रसाई में लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ये आने के बाद भी, क्योंकि जब तालीम याफ्ता लोग होते हैं तो बाशऊर होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आवाम को, इससे बहुत अमन और सुकून जो चाहते हैं वो मिलेगा। उसके लिए मैं तमाम जो ट्रेनिंग्स को आए हुए उनको मुबारकबाद देता हूँ, और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑफिसर्स हमारे, वो भी बहुत अच्छे ऑफिसर है, बहुत अच्छी तरीके से, और तेलंगाना पुलिस का बहुत ऊंचा नाम हो चुका है। तेलंगाना पुलिस को आज सारे हिंदुस्तान में, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले मैं खुद इस मूवमेंट में था, 50 बार हमारे बड़े बड़े लीडर्स ये बात कहे थे तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, नक्सलिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो आज हमारी स्टेट के अंदर नक्सलिज्म का सफाया हो चुका है, और लैंड ऑर्डर जिस तरह हमारी स्टेट में बेहतर है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। मेरी जानिब से जितने लोग आज ट्रेनिंग के लिए आए सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे ऑफिसर जितने पुलिस ऑफिसर उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आपकी मेहनत की वजह से हमारी स्टेट में आज अमन है, और हमारी स्टेट बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। पैसा का कंट्रोल बहुत अच्छा कंट्रोल चुका है। देखिए कभी कभी इंसिडेंट होते हैं, छोटी सी चीज़ जाके बढ़ जाती है, और मैं हमारे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से वो 5-6 घंटे के अंदर कंट्रोल किए, शायद इससे कभी पहले कभी नहीं हुआ। आज लोग आप तारीख उठा के देखिए, 10 साल 20 साल 25 साल की, जितना जल्दी भैंसा के अंदर लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया गया उसके लिए बहुत अच्छी हिकमत अमली से काम किया गया, और बहुत वहाँ पर अमन और सुकून है, और जो जो छोटे मोटे हालात है वो बहुत तेज़ी से सुधर रहे हैं, और अब इस वक्त बहुत अमन रहेगा, और आगे कभी ऐसा नहीं, किसी को नहीं करती है बात, कोई माजूर अफराद को गिरफ्तार नहीं करती। कोई अगर किसी जगह आ गए वो लोग जहाँ 144 है, तो वैसे टाइम अगर कोई आदमी रहा तो उसे ले आकर पुलिस स्टेशन के बाद छोड़ दिया जाता है, उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें ले जाया जाता है, उन्हें गिरफ्तार करके ले आके अंदर बंद नहीं किया जाता। अगर उस मुकाम पर वो लोग रहेंगे तो उनकी सेफ्टी नहीं रहेगी, इसलिए उन्हें ले आकर दूसरे मुकाम पर छोड़ा जाता है, किसी को माजूर को गिरफ्तार नहीं किया गया।